अभी हम लोग गोपालगंज के बेलथरा चेक पोस्ट पे हैं। ये जो चेक पोस्ट है ये बिहार का अंतिम चेक पोस्ट है और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आपको यूपी पड़ जाता है, बुलडोजर बाबा की जो नगरी है यानी कि उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नगरी पड़ जाती है। और वहाँ पे जो शराब है वो चालू है, वहाँ पे आप धड़ल्ले से शराब पी सकते हैं। लेकिन वही इस चेक पोस्ट के बाद अगर आप आते हैं बिहार में, इंटर कर जाते हैं, तो अगर आप शराब पीते हैं तो आपको जेल हो जाएगी। बाकी मुख्यमंत्री साहब ने एक नया फरमान जारी किया है कि अब जो भी शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा तो वो सिर्फ तस्करों का नाम बता देगा और छूट जाएगा। बाकी ये कितना लागू हो पाएगा ये देखने वाली बात है। आप एक बात सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति इस चेक पोस्ट से 10 किलोमीटर आगे जाए और वहाँ से शराब पीकर अंदर आ जाए तो मुख्यमंत्री साहब की पुलिसिया फौज जो है वो किसको पकड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। मान लीजिए कि बिहार में अगर दारू मिल रहा है, वहाँ के किसी तस्कर से अगर दारू खरीद के कोई आदमी पी लेता है तो उस तस्कर का नाम बता दिया जाए तो उस पर केस चलेगा, उसे जेल भेजा जाएगा। लेकिन अगर यूपी से कोई आदमी दारू पी के आता है और तब बिहार की पुलिस को बताता है तो क्या बिहार की पुलिस जो है वो यूपी में जाएगी और उस आदमी को पकड़ेगी, और किस आधार पे पकड़ेगी? क्योंकि यूपी में तो दारू चालू है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे और किस प्रकार से जो बिहार की पुलिस या फौज है वो यूपी के किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पकड़ेगी क्योंकि उसने बिहार के एक व्यक्ति को दारू पिला दिया या दारू ला के उनको दे दिया। क्योंकि अगर बिहार का कोई व्यक्ति दारू पीता है बिहार के व्यक्ति से लेके तो उसमें केस बनता है, लेकिन अगर यूपी का व्यक्ति कोई बिहार के व्यक्ति को दारू पिला देता है तो इसमें कौन सा केस बनेगा? क्योंकि यूपी का व्यक्ति आज़ाद है शराब पीने के लिए, वो घर में बैठ के पी सकता है, किसी होटल में बैठ के पी सकता है, या वो कहीं पे भी शराब जो सार्वजनिक जगहों को छोड़ के वो बाकी जगहों पे शराब पी सकता है। तो ये किस प्रकार का फरमान हमारा बिहार सरकार जारी कर रहा है? बाकी बिहार में शराबबंदी से कितना नुकसान है ये सोचने वाली बात है। जो टैक्स आता था वो बिहार सरकार खो चुकी है और जो पुलिस है वो बाकी सारे क्राइम को छोड़ के सिर्फ दारू पकड़ने में लगी हुई है। जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षक हैं, वो भी दारूबाजों के पीछे पड़े रहेंगे, शिक्षा व्यवस्था भी चौपट हो जाएगी। हेलीकॉप्टर से एयर एम्बुलेंस बनाने के बजाय उसे दारू के तस्करों को, दारू बेचने वालों को, दारू पीने वालों को हेलीकॉप्टर से पकड़ा जाएगा, नाव से पकड़ा जाएगा। जबकि हेलीकॉप्टर को अगर एयर एम्बुलेंस बनाया जाता तो ये जो एक्सीडेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं जिन्हें अचानक से कहीं दूर शहर में इलाज के लिए भेजा जाता हो, तो अगर वहाँ भेजा जाए तो उस व्यक्ति की जान बच सकती थी। लेकिन उस व्यक्ति की जान बचाने की बजाय दारू पकड़ने पे ही हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी इस चेक पोस्ट पे थे हम, साहब थे, उन्होंने बताया कि सुबह से वो अभी तक 450 लीटर शराब जब्त कर चुके हैं। दो तस्करों को पकड़ा था जिसमें से एक तस्कर भागने में कामयाब हो गया और एक तस्कर को पुलिस ने पकड़ लिया है। होली का मौसम है, होली के आने से 4 दिन पहले 5 दिन पहले से ही शराब की तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा साहब ने बताया है, और होली के बाद तक तस्करी चलती है। अब आप बिहार सरकार के इस कानून पे क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और बताएं कि क्या बिहार में शराबबंदी लागू रहनी चाहिए या इसे ख़त्म कर देना चाहिए। मैं हूं ऋषभ छपरा, अपडेट के लिए कैमरे के पीछे अभिषेक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।